कोई सीखने की, कुछ करने की, कुछ दिखाने की। ठीक है, हो गया स्टार्ट, हो गया, हमें भी अच्छा लग गया है, हम भी कोई अपना बिजनेस आगे चलाएंगे, कुछ करना चाहेंगे, हमें भी हिम्मत आई है थोड़ी पूरी, कोई सीखने की, कुछ करने की, कुछ दिखाने की। मेरा नाम नीलमा देवी है, ये बहुत अच्छा लगा है। आज तक ना हमने कुछ देखा इधर, ना कोई आया, ना कुछ देखा, तो आज हमने बहुत खुशी होगी कि बाहर के लोग इधर आए, हम सिखाएंगे, हम सीखेंगे, हम भी कोई देखेंगे आगे। आज इधर है ही नहीं बेनिफिट, ऐसा कोई देखा ही नहीं हमने आज तक। ये बोलते हैं अभी सिलाई के। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं डायरेक्टर आरसीटी डोडा से हूँ, और आज हमारी टीम यहाँ पे आई थी, पूरे हम स्टाफ के साथ आए थे, और हमें यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे काफ़ी अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो अपना रोज़गार सीखना चाह बढ़ाना को उनको दे के हम यहाँ पे वुमेन्स टेलर्स का बैच हमने लगाया है, जो डोडा से कम 70 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे इस बैच को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो पंचायत सेक्रेटरी परशला डोंगरू और जेटली और JRS बल ने काफ़ी हमारी मदद की है, और हमारा बैच इतना सक्सेसफुल रहा है कि हमने यहाँ पे आज ही बैच वो कैंप लगाया, और आज ही हमारे पास 35 फार्म जो है वो फिलअप हो चुके हैं, और हम इनको मंडे से जहाँ पे बैच स्टार्ट कर देंगे। इनको सबसे बेनिफिट तो ये है कि बड़ा बेनिफिट तो ये है कि देखो हम इनके घर में आकर सिखाने जा रहे हैं, तो मतलब एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, इनको कुछ नहीं करना, इन्होंने बस टाइम पे आना है, 9:30 से 6 का टाइमिंग है, उस टाइम पे आना है और उन्होंने सीखना है, और इसके बाद हम इनको 2 सर्टिफिकेट देंगे, एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, एक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो एग्ज़ाम पास करने के बाद होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जिसके बेस पे ये अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी अपना जो कटिंग ट्रेलिंग का जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो वेंचर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे को मैं इनको यही बोलूँगा कि देखो हमने यहाँ पे कैंप लगाया गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली हम इतनी दूर से आए हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हम आ रहे हैं, और देखो आप इसमें क्या है, बैच तो लग रहा है लेकिन आप लोगों को मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, जितने भी लोग जिन्होंने फॉर्म भरे हैं सारे आएँ और प्रॉपरली सीख के जाएँ, और मैं यही चाहता हूँ कि ये लोग अगर सीख के जाएँगे तो दूसरे लोगों को भी यहाँ पे बताएंगे, और उन्हीं के लिए वो और भी हम चाहते हैं इनको कि और भी लोगों को मोटिवेट करें, ताकि ये रिमोट एरिया है तो यहाँ से डोडा में आना जाना या किसी भी सेंटर पे आना जाना के लिए काफ़ी टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, हमें और भी यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करें, हम भी करेंगे, ये लोग भी करें, हमारे हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और से ज़्यादा बैच यहाँ पर लगा सकें। सर मेरा नाम आतिक अहमद है, मैं पंचायत सेक्रेटरी डोंगरू और जेठली में हूँ। आज यहाँ पे RSETI की तरफ से जो अवेयरनेस कैंप यहाँ पे लगा परशोला ए में, इनके डायरेक्टर साहब यहाँ पे आए थे, तो मेन जो मुद्दा यहाँ पे इनका ये था कि जो भी हमारे जो जॉब कार्ड होल्डर्स जो होते हैं जिनके 100 डेज हो चुके हैं लास्ट ईयर में कंप्लीट, उनको इनकी तरफ से जो भी ये जो प्रोग्राम जो लग रहा है, जो इनको कटिंग टेलरिंग का यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो चल रहा है इनका प्रोग्राम, इनकी तरफ से इनको कुछ स्टाइफन भी मिलना है, तो वो जो है पैसे मिलेंगे इनको। उसके बावजूद ये जो लोग हैं ये भी इसमें विलिंग थे कि हमें कुछ बिजनेस करना चाहिए, कुछ हमारी जो है जो आमदनी बढ़नी चाहिए, उसके लिहाज से बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है इनका, तो इनकी ये बहुत दरियाना मांग थी कि हमें कुछ ना अपनी थोड़ी फाइनेंशियल जो है जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जो चल रहे हैं लोग गरीब लोग, थोड़ा सा जो उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। उसमें हमारे रूरल डेवलपमेंट की तरफ से जितने भी यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरीज थे सारे आए, 3 पंचायतों के हमारे JRC साहब ने बहुत यहाँ पे इनका हेल्प किया, सारा कोऑर्डिनेशन से काम चला, बहुत अच्छा।